मैं आकिब जावेद पटना से किशनगंज के साथियों, मैं मीडिया के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं मीडिया की एक शुरुआत अच्छी है कि किशनगंज एमयू के लिए आप अपनी आवाज़ उठाइए, एक प्लेटफॉर्म बनाया उसने, तो ये एक सराहनीय कदम है, बेहतरीन कदम है। किशनगंज की बदहाली, एमयू किशनगंज, एमयू का सेंटर किशनगंज में आबाद ना होना, मैं यहाँ तक के समझता हूँ कि किशनगंज के पदाधिकारी, किशनगंज के जिम्मेदार, किशनगंज की आवाम ने जिसको अपना नुमाइंदा चुना, उनकी नाकामी पूरी इसमें मिली हुई है। उनकी नाकामी की वजह से ही आज किशनगंज एमयू का सेंटर, जो वहाँ एक अच्छे तरीके से चलना था, वो नहीं चल सका। इसीलिए हाँ, थोड़ी बहुत आवाम भी वहाँ किशनगंज की जिम्मेदार है, क्योंकि आपने वहाँ किशनगंज में एमयू सेंटर की जमीन हासिल करने के लिए एक तहरीक चलाई। उस तहरीक इतनी कामयाब हुई कि बिहार की सरकार को झुकना पड़ा, जमीन देना पड़ा और वहाँ पर एमयू का सेंटर कायम हुआ। लेकिन आपके बेबाक नुमाइंदे, जिसको आपने एमपी चुना, जो पार्लियामेंट में जाकर आपकी आवाज उठाते और वहां से उसका फंड लाकर उसको आबाद करते, वो इसमें नाकाम रहे, उनकी नाअहली रही। और दूसरी बात, आवाम भी वहां पर थोड़ी अपनी सुस्ती दिखाई। अब बस इन सब का एक ही रिजल्ट है कि वो बंद होने के कगार पे है। अब मेरी मेरी गुजारिश किशनगंज की आवाम से है कि आप अगर चाहते हैं कि किशनगंज सेंटर फिर से आबाद हो, तो अब कोई पॉलिटिकल लीडर आपको उस उरूज तक नहीं ले जा सकता है। आपको फिर से एक तहरीक की तरफ आनी पड़ेगी, एक तहरीक फिर से आपको छेड़नी पड़ेगी, और उस तहरीक को कामयाब करके ही आप किशनगंज में एमयू का सेंटर फिर से बहाल कर सकते हैं। एमयू का, किशनगंज का सेंटर फिर से उसका खोया हुआ वक्कार उसको दिला सकते हैं। इसीलिए मेरे किशनगंज के आवाम से अदबन गुजारिश है कि आप अपने गूंगे लीडरों से भरोसा छोड़िए और आप एक तहरीक चलाइए और उस तहरीक को कामयाब बनाइए। अगर आप खामोश हैं तो एमयू किशनगंज की बदहाली के लिए आप भी जिम्मेदार हैं। सर सैयद डे के मौके पर आइए हम सब मिलकर एमयू किशनगंज के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। कैसे करें इस चीज़ को? 2 से 3 मिनट का एक वीडियो क्लिप बनाइए एमयू किशनगंज के बारे में। आपके दिल में जो भी दर्द है उसे बयां कीजिए उस वीडियो में, और इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए।